India's winter session of parliament began a day after India's Bharatiya Janata Party swept elections in three major Indian states. ये वो तस्वीरें जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भी हुआ, उनका अभिनंदन किया गया और उनके लिए जय घोष के नारे लगाए गए। शानदार जीत के बाद पाकिस्तान की आवाम भी ये कहते नहीं थक रही कि अगर प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा। कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इज अनस्टॉपेबल, ही इज अनस्टॉपेबल इंटरनेशनली, ही इज पॉपुलर दुनिया में, उन्होंने इंडिया का तशख्स जो है उसको हाईलाइट किया है। मैं समझता हूं कि ही विल बी कंसीडर्ड अ लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया और नॉट ओनली इन इंडिया, द बुक्स विल बी रिटन ऑन हिम फ्रॉम हिज हंबल बैकग्राउंड, the way he has taken a country to the superpower level. India ki tarakki ka kya raaz, unki awam unko apne mulk se mohabbat karti hai. ye to nahi ke sirf unke leader acche hain to is wajah se. nahi, leader un awam ki marzi mansha ke mutabik kaam karte hain, isliye wo awam ke dil jeet lete hain. awam kehti fir dobara yahi aaye, ab ki baar fir modi sarkar udhar ye nare lag rahe hain. ha, strong modi is definitely going to dictate or America is not the only superpower right now. तो वो ओरिजिनली उनकी डिटरमिनेशन उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड दैट्स रिमार्केबल और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा और उसका उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है। हाँ। आवाम को तरक्की नजर आती है। अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट। सर ये तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की, उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की, आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था, प्री इलेक्शन एक पोल जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था, इस पे मेरा तो यही ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कंपेन से बाहर हुए ही नहीं, वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले दो साल से खासकर मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बर्तानिया के दौरे, उसके बाद इकॉनमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस अद्वितीय वन का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजस के ऊपर जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कंपेन की है, और मैं समझता हूं कि ही विल बी कंसिडर्ड अ लेजेंडरी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया और नॉट ओनली इन इंडिया, द बुक्स विल बी रिटन ऑन हिम फ्रॉम हिज हम्बल बैकग्राउंड, द वे ही हैज टेकन अ कंट्री टू द सुपर पावर लेवल। मैं यहां ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने जब हमारे टोनी बिल्कन साहब मौजूद थे कट्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है, वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटरमिनेशन उनकी और उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड दैट्स रिमार्केबल, और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा, और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए, 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है,
लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद थिंक अबाउट वैक्सीनेशन के तीन स्टेट्स इंडिया की तीन स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद बीजेपी की विक्ट्री के बाद वहां की पार्लियामेंट में इवन वहां की पब्लिक ये नारे लगाती नजर आ रही है कि बार बार मोदी सरकार तीसरी बार मोदी सरकार जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं जिसने अपना दूसरा टेन्योर एक टेन्योर के बाद दूसरे टेन्योर आया हो इवन पहला टेन्योर भी पूरा नहीं कर पाए। इंडिया की अगर बात करते हैं उनके प्राइम मिनिस्टर ने दो टेन्योर नरेंद्र मोदी जी ने दो टेन्योर पूरे किए हैं तीसरा भी उधर नारे लग रहे हैं कि अब की बार फिर मोदी सरकार या तीसरी बार फिर मोदी सरकार मतलब चेंज में कोई इशू नहीं कि नहीं असल में पता क्या हमारे लोगों को चेंज की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो बंदा सही पहले ही नहीं चुनते। ये क्या वजह पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती है वहाँ पे डेमोक्रेसी है जमहूरियत है या कोई मतलब आप उनके दौर में हर काम ने तरक्की की है हाँ। आवाम को तरक्की नजर आती है मोदी के दौर में हाँ तो जब वो कोई मुल्क के लिए खैर खा होगा वो तरक्की देगा अपने वतन को तो आवाम भी उसको रिस्पॉन्स देती है। ये बड़ी ऑथेंटिक बात की है भाई ये रीजन नहीं है कि बारी हो या बारी ना हो जो वर्क करेगा पब्लिक उसे सपोर्ट करेगी जो कि पाकिस्तान में हमें नजर नहीं आता। पाकिस्तान में तो सब मैंने पहले ही बता दिया कि ऊपर से ऐलान होता है ठीक हो गया। ये इलेक्शन ये सब धोखे हैं आवाम को झंझट में लड़ाई झगड़ा 200-400 बंदा कत्ल करवाया 20-20 गाड़ियों का रेला ऊपर किधर से आसमान से ऑर्डर आते हैं या कहीं और ऊपर है ये सारी एक बंद कमरे में थ्योरी होती है ठीक है। जहाँ पे कुछ गैर मुल्की होते हैं कुछ पाकिस्तान के खैर खा होते हैं जो समझते हैं ये बंदा बेहतर है लेकिन हकीकत में वो बेहतर नहीं होता। इधर एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा मोस्टली लोग ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है जो गवर्नमेंट के पास चीजें हैं उनको बेहतर से बेहतर करे जो इंडिया में मंसूबे चल रहे हैं उनको उनकी नकल करे उनकी कॉपी करे और उन पर अमल पैरा हूँ तो हमें ये कह दिया जाता है ना नहीं 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 उसकी नकल ओहो हमारा दुश्मन है उसकी नकल। जैसा कि आपने बताया कि उधर यूनिवर्सिटियाँ बन रही हैं ऐसी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए हेल्थ पर तवज्जो दी जाए और उसके बाद सरमायाकारी पर तवज्जो दी जाए वापडा पे तवज्जो दी जाए रेलवे PI पे तवज्जो दी जाए जो अदारे हमारे काम नक्स कर रहे हैं हम तो स्पोर्ट्स में नहीं उस तरीके से हम तो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे अभी वर्ल्ड कप हुआ है उन्होंने कैसे परफॉर्म किया हम उनको बेहतर से बेहतर करें और अवाम का तावन तो हुक्मरानों के साथ है ही जो उन्होंने वोट दे दिए हैं और 5 साल के लिए मुंतखिब कर लिया ये अवाम का तावन है वो अवाम का तावन है लेकिन 5 साल किसने पूरे किए ये मुझे 5 राज्यों में चुनाव में 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया जिससे पाकिस्तानी मीडिया एक सोच रहा है कि 16वें से 14वें नंबर की इकोनॉमी आज 4थे नंबर पर कैसे आ गई ये सब मोदी जी के कर्मों की वजह से हो रहा है। विश्व के बड़े बड़े देश चाइना जैसे देशों की मीडिया भी ये कह रही है कि मोदी जी है जब तक देश बहुत आगे बढ़ चुका है और बढ़ता रहेगा। पाकिस्तानी मीडिया भी मोदी की तारीफ कर रही है कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश को क्यों नहीं मिलता यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपस में लड़ने झगड़ने और लूटमार से का फुर्सत नहीं मिल पाती तो देश को कहाँ चलाएंगे। पहले पाकिस्तान भारत से आगे हुआ करता था आज भारत पाकिस्तान से क्या बड़े बड़े देशों से भी आगे आ चुका है जो 4थे नंबर पर आ चुका है। हमारा देश आज भीख मांगने के कगार पर है। पाकिस्तानी मीडिया रो रो के बुरा हाल हो रहा है।